डकैती लूट हत्याएं बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, फोन कराने वाला आया ईश्वर कि उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी डकैती हत्याएं लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, इन अपराधों पर ईश्वर को लगाम नहीं लगा सका, लेकिन अगर इन अपराधों को रोकने का किसी ने काम किया तो किसने रोका है। संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो आसाराम और राम रहीम जैसे होंगे जेल की शराब में नहीं सुन रहे होते। माता हो मेरे भाई हो, तब मैंने क्या लिखा, रोका है संविधान लिख संविधान ईश्वर कभी दे दिया है तेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सके। जब मंदिर को उजाते तो मैं ना घुसन दिया जाता, तुम्हारे हाथ लगाने से मंदिर दूषित हो जाता। अगर आप लोग मंदिर में जाते तो मंदिर में बैठा वो भगवान और मंदिर दोनों अपवित्र हो जाते, तो गौमूत्र छिड़क के उस मंदिर को शुद्ध किया जाता। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारी बहुजन समाज के लोग मंदिर जाएं। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जिस दिन बहुजन समाज के लोग मंदिरों की अपेक्षा अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे उस दिन उनका जीवन बदल जाएगा। तो बंधु बाबा साहब ने मंदिर की जगह क्या दिया, तत्काल व्यक्ति का प्यारा दिया है, ईश्वर कभी भी बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, बहुत प्यारी लाइन है, दिल को छू जाएंगे। ईश्वर की सत्ता पता तुलसीदास ने लिखा कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं खिले में कोई भूल, यानी ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो मैंने क्या लिख दिया, ईश्वर की मर्जी बिना यह पत्ता नहीं हिलता है, ईश्वर की मर्जी बिना तो यहाँ होती कत्ले आम उसे नहीं क्यों वो रोकता है, यहाँ होती कत्ले आए दिन डकैती लूट हत्याएं बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, फोन कराने वाला है ईश्वर कि उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी डकैती हत्याएं लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, इन अपराधों पर ईश्वर को लगाम नहीं लगा सका, लेकिन अगर इन अपराधों को रोकने का किसी ने काम किया तो किसने रोका है। संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो आसाराम और राम रहीम जैसे होंगे जेल की शराब में नहीं सुन रहे होते। माता हो मेरे भाई हो, तब मैंने क्या लिखा, रोका है संविधान लिखे संविधान लिखे ईश्वर कभी भी
बराबर पर खड़े होकर बात ना तुम कर सकते थे, गुजारा करे झोपड़ी में महल में ना रह सकते थे, कूठियों में रहने का हक दे दिया है, हक दे दिया है, ईश्वर कभी भी दे ना सके गाड़ी में बैठने का भी अधिकार नहीं था आप लोगों को, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने तुम्हें क्या दे दिया सुनो, जहाँ जो बोले और अंतिम लाइन अंतिम लाइन पूरे गीत का निचोड़ है ये, जिसे ईश्वर साधते हो ये पुल ईश्वर समझते हो केवल भ्रम तुम्हारा है, बना कर दर्द जीवन को किया शोषण तुम्हारा है, जाग जाओ जागने का वक्त दे दिया है, वक्त दे दिया है, ईश्वर कभी भी दे ना सके अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।